राखी जी, कल जो शाहरुख जी कल गए थे उनको ज्यादा कुछ ट्रोल किया गया है। ये बहुत गलत बात है दोस्तों, ये सब नहीं होना चाहिए। कोई थुका उका नहीं है उन्होंने। जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज पढ़ने की बात है ना। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में आपको राखी सावंत का बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन जो कि शाहरुख खान की फेवर में आया है, उसकी मुकम्मल वीडियो दिखाएंगे जिसमें राखी सावंत शाहरुख खान की फेवर में बोलती हुई और पूरी एक्सप्लेनेशन देती हुई इस बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि इस टाइम पर लता जी के मुंह पर थूकने के बारे में शाहरुख खान की कंट्रोवर्सी चल रही है। बहुत सारे लोग उनके फेवर में है और बहुत सारे लोग उनके खिलाफ है, और उन सबका कहना है कि इस तरीके से थूकना एक लेजेंडरी एक्टर के ऊपर दुआ के बाद बहुत बुरी बात है। जबकि बात की जाए इस्लाम की, बात की जाए शाहरुख खान की, तो बहुत सारे मजहब इस तरह की चीजें होती हैं कि फातिहा के बाद आप भूकते हैं, ब्लो करते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज को थूकना यानी कि स्पिट करना बना दिया, जो कि वाकई एक बहुत अनएथिकल बात है। अगर ऐसा किया गया और अगर ऐसा नहीं किया गया तो भी लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है कि शाहरुख खान के खिलाफ हमेशा से कंट्रोवर्सी मत बनाया करें। अगर वो इतने सक्सेसफुल है तो फिर उनको सक्सेसफुल रहने दें, उनके सक्सेस से जला मत करें, उनको नीचे गिराने के लिए आप इतने काम करते हैं वो मत किया करें। खैर, राखी सावंत का उनके बारे में क्या कहना था वो आप खुद सुन सकते। बहुत गलत बात है दोस्तों, ये सब नहीं होना चाहिए। कोई थुका उका नहीं है उन्होंने। जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज पढ़ने की बात है ना, फूका जाता है, फूकने का मतलब है वो दुआ कबूल हुई। हमारी लेजेंड है, तो नमाज पढ़ने की बात है ना, फूका जाता है, फूकने का मतलब है वो दुआ कबूल हुई, तो उनको जन्नत में जगह मिलती है। व्यूअर्स, आपका SRK के बारे में क्या ख्याल है कि वाकई ही उन्होंने स्पिट किया या फिर ब्लो किया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।